मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहारी लाल जी के नीति के पद। तो ये जो पद है जिसका शीर्षक है नीति, ये बिहारी जी के बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। तो नीति का मतलब होता है आचरण, कि किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए या किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, नैतिकता से संबंधित ये पद हैं। तो देखते हैं, हालांकि ये जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और इनमें मुक्तक शैली का कवि ने प्रयोग किया है और ज़्यादातर जो इनके छंद हैं वो सभी दोहा छंद हैं। और रही बात रस की, तो रस में आपको पद के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पद है उसमें कवि बताते हैं कि कैसे दो राजाओं का स्वामित्व अगर प्रजा पर हो, यानी एक ही प्रजा पर दो राजा शासन करते हो तो कैसे घातक होते हैं, यानी वो प्रजा के लिए दुख का कारण बनते हैं। तो पहला पद है, दुसह दुराज प्रजानु को, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। दुसह माने चुग सहने में कठिन हो, उसको दुसह बोलते हैं। दुराज यानी दो राजा, दो राजाओं का राज, द्वैत शासन। प्रजानु को यानी प्रजाओं, प्रजा का अगर दो प्रजा पर दो राजा शासन करते हो, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, यानी दुख द्वंद। दंदु का अर्थ है द्वंद, संघर्ष। कि अगर दो राजा हैं एक ही प्रजा पर जो शासन करते तो क्यों दुख ना बढ़ेगा, यानी दुख अवश्य बढ़ेगा, ठीक वैसे ही बढ़ेगा जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद्र। अधिक अंधेरो जग करत यानी संसार में और अधिक अंधेरा हो जाता है, कब, जब मिली मिल जाता है, मावस माने अमावस्या पर, क्या, रवि और चंद्र यानी चंद्रमा और रवि माने सूर्य, जब अमावस्या की तिथि को एक ही राशि में मिलकर मिल जाते हैं तो संसार में और अधिक अंधेरा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब दो राजा एक ही प्रजा पर शासन करते होते हैं तो दोनों जगह दोनों ही स्थितियों में, यानी क्योंकि अलग दोनों राजाओं के अलग नियम कानून होंगे जो प्रजा पर लागू होंगे, तो प्रजा के लिए मुसीबत बढ़ जाती है, इस प्रकार से प्रजा का दुख बढ़ जाता है। तो इसमें कवि कहते हैं, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख दंड, कि दो राजाओं का होना प्रजा के लिए दुख का कारण होता है और द्वंद का भी कारण होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अवश्य जैसे संसार में और अधिक अंधेरा हो जाता है तब, जब अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाते हैं। तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो शांत रस है। अगला पद देखें, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। अब यहाँ बिहारी जी बताते हैं कि संसार में जो दुष्ट व्यक्ति होता है हमेशा उसका ही सम्मान किया जाता है, उसकी ही पूजा पाठ की जाती है। तो इसमें कवि कहते हैं, बसे बुराई जासुतन, कि जिसके तन में बुराई, अर्थात जिसके तन में बुराई का वास हो, जिसमें बुरे दुर्गुण हो, ताही को सम्मान, इस संसार के लोग ऐसे हैं कि उसी को सम्मान देते हैं। और भलो भलो कही छोड़िए, और जो भला होता है उसको तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और खोटे ग्रह जपदान, और जब बुरा समय आता है तब मनुष्य खोटे ग्रह जैसे शनि आदि जो ग्रह हैं, राहु केतु वगैरह, इनके लिए जप और दान करते फिरते हैं। यानी मनुष्य, कहने का अर्थ ये है कि अच्छे समय में तो मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो फिर वो उस समय छोटे मोटे ग्रहों नक्षत्रों की पूजा करता है। यानी कहने का अर्थ ये है सीधे से अर्थ में कि बसे बुराई जासूतन, कि जिसके तन में बुराई बसती है, कहने का अर्थ है जो बुरा है, जिसमें गुण अच्छे नहीं, उसी का संसार में सम्मान किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अच्छे को तो अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तो हम छोटे ग्रहों की पूजा करने लगते हैं ईश्वर को छोड़कर। अब अगला पद देखें, तो इसमें भी अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी आपका शांत रस ही है। अब अगला पद देखें, अगले पद में कवि क्या कहते हैं, नल की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोए जोई, जे तो
नीचो हुए चले ते तो ऊंचो हुई, यानी नल की और नल नीर की, यानी नर की, नर माने मनुष्य, मनुष्य की और नल के नीर की, यानी नल के जो जल होता है, नीर माने जल, उसकी गति एक सी होती है, दोनों की गति एक सी, यानी मनुष्य की गति और नल के पानी की गति दोनों की एक सी होती है। जितना नीचे जे तो ही नीचो होए चले, यानी जितने, जे तो माने जितना, नीचो माने नीचे की ओर, होए चले जितना नीचे दोनों चलते हैं, नल को जब नीचे चलाते हैं तो पानी ऊपर उठता है, और ते तो ऊंचो हुई तो उतना ही पानी ऊपर उठता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य जितना झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, उतना ही उसका सम्मान बढ़ जाता है, उतना ही वो ऊंचा उठ जाता है, उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि नल की, नर की अरु, अरु माने और, नल नीर की गति एक ही कर जोए, कि नल की और नर की, यानी मनुष्य की और मनुष्य की और नल के पानी की गति एक सी होती है, कि जिस प्रकार नल को नीचे जितना चलाया जाता है उतना ही पानी ऊपर उठता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जितना झुकता है उतना ही वह उन्नति करता है और उसका सम्मान बढ़ता है। तो इसमें भी शांत रस ही है। अगला पद देखें, अगले पद में कवि कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुफिरी ना घटे बरु, बरु माने होता भले ही, समूल कुमलाए। कवि कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, सलिल माने जल, कि जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी सरोज भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब मन की इच्छाएं, जब व्यक्ति के पास धन की वृद्धि होती है तो उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। मन सरोज कहने का अर्थ है मन रूपी कमल या मन रूपी पुष्प, कि जैसे जब पानी बढ़ता है तालाब वगैरह में कहीं भी, तो जो कमल होते हैं वो और खिल जाते हैं, तो वही यहां संज्ञा ली गई है। तो कहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कि जब संपत्ति रूपी सलिल माने जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल भी और बढ़ जाता है। यानी तो क्या होता है, मन रूपी जो कमल और बढ़ जाता है, मन रूपी कमल के बढ़ने का अर्थ इच्छाएं बढ़ जाती, और घटत घटत सुफिरी ना घटे, और यदि वही जल घट जाए तो फिर वो कमल की जो नाल होती है वो घटती नहीं है, यानी जो इच्छाएं वो घटती नहीं है। बरु समूल कुमला है, भले ही वो चाहे पूरा, समूल माने पूरा ही कुमला जाए, सूख जाए, लेकिन फिर वो घटता नहीं है। तो कवि के कहने का अर्थ ये है कि एक बार यदि व्यक्ति के पास धन आ जाए तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और यदि धन चला जाए तो फिर उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जल घटने पर फिर जो नाल होती है कमल की वो मुरझाती नहीं है, भले ही, मतलब वो कमती नहीं है, भले ही पूरी मुरझा जाए। तो इसमें भी जो है वो आपका शांत रस है। अगला पद देखें, कभी इसमें कहते हैं, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होए ना मित्र, मित्र माने मित्र, कि कभी यहां एक मित्र से कहते हैं कि हे मित्र, जो चाहत, यदि तुम चाहते हो कि चटक ना घटे, अर्थात तुम्हारी चमक ना जाए, तुम्हारा तेज ना जाए, तुम्हारी उज्ज्वलता और कांति समाप्त ना हो, और मैलो होए ना मित्र, अगर तुम मैले होना नहीं चाहते, दुर्गुणों से युक्त होना नहीं चाहते, तो रज राजस, तो रज माने धूल, जो राजसी राजस रजस रूपी जो धूल है न छुआए, तो वो न छू जाए, अर्थात वो स्पर्श न करे, नेह चीकने चित्त, यानी प्रेम से चिकने चित्त, यानी मन पर किसका प्रभाव न पड़े, रज राजस का, यानी रज राजस का अर्थ है रजोगुण, राजस का मतलब होता है रजोगुण, तो रजोगुणी रूपी जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, गर्व हो गया, ये सब हमारे प्रेम रूपी चिकने चित्त पर नहीं स्पर्श करनी चाहिए। अर्थात जैसे कहने का अर्थ है कभी यहां ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता कांति कभी समाप्त ना हो, तो जो तुम्हारा नेह चीकना चित्त है, यानी प्रेम रूपी जो तेल से जो चिकना जो तुम्हारा चित्त मन है, उसमें क्रोध आदि जो विकार है, क्रोध हो गया, ईर्ष्या, ये सब स्पर्श ना करे, क्योंकि ये रजोगुणी धूल के समान है। जैसे तेल लगी हुई कोई बाती है तो उसमें धूल बहुत जल्दी चढ़ती है, तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति चाहता है कि इन सब प्रवृत्तियों से वो दूर रहना चाहता है और अपनी चमक बरकरार रखना चाहता है, तो जो तामसिक और रजोगुणी वृत्तियां हैं वो इनसे दूर रहे,
उन्हें अपने मन मन में स्पर्श ना करने दे। तो जो चाहत चटक ना घटे, कि कभी कहते हैं कि जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी चटक ना घटे, वो मैलो होए ना मित्र, मैले होना नहीं चाहते, दुर्गुणों से युक्त होना नहीं चाहते, तो रज राजस न छुवाए दो। तो जो राजसी गुण है, जो तामसी गुण है, उनसे हमें स्पर्श नहीं होना चाहिए, नेह चीकने चित, अपने मन को उनसे स्पर्श नहीं कराना चाहिए, अर्थात मन मन को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। तो इसमें भी अगर रस है तो शांत रस का ही प्रयोग किया गया है। अगला देखें, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरोट रात डरात। जो बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु, जो निकलंग मयंक लखी गने लोक उत्पात। अब कभी यहां कहते हैं कि बुरा व्यक्ति अगर बुराई तज दे, छोड़ दे, बुरो बुराई जो तजे, यानी बुरा व्यक्ति यदि बुराई छोड़ दे तो चितु खरो डरात, तो भी चित्त मन को एक डर बना रहता है, खरो माने अधिक, तो भी मन को अधिक डर बना रहता है, ठीक वैसी जैसे ज्यो निकलंक मयंक उलक है। मयंक माने होते चंद्रमा, निकलंक माने निष्कलंक निर्मल, कि जैसे निर्मल आकाश में चंद्रमा हो तो उसको भी देख कर लोग गने गने माने गणना करने लगते, लोग उत्पात, लोग उत्पात की गणना करने लगते, कोई मुसीबत की गणना करने लगते, सोचने लगते कि आज चंद्रमा बहुत साफ है, निश्चित ही कोई मुसीबत आएगी, क्योंकि चंद्रमा जब भी उठता साफ होता है, बहुत पूरा खिला होता है, तो ज्वार भाटा वगैरह ज्यादा समुद्र में उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ कहा है कवि ने कि अगर ठीक वैसे ही कोई अगर व्यक्ति अपनी बुराई त्याग दे तो भी लोगों को उसके प्रति मन में एक डर बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग उत्पात की गणना करने लगती है, कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, उत्पात आने वाला है, दुख आने वाला है, लखी माने होता है देखकर, ध्यान दीजिएगा, जो निकलंक मयंक लखे, कि जैसे ही लोग निकलंक निष्कलंक चंद्रमा को लखी कर देख कर उत्पात की गणना करने लगते, लोग सोचने लगते हैं क्या कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली, तो ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बुराई तज देता है, छोड़ देता है, उस तो भी लोगों के मन में एक भय बना रहता है। अगला पद देखें, इसमें भी शांत रस ही है। अगला देखें, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार। अब इस पंक्ति में, इस कविता में, इस पद में कवि कहते हैं कि जो राजा जयसिंह है, जो औरंगजेब के कहने पर अपने जो उसकी आश्रय में जो अन्य राजा है, हिंदू राजा, उन पर आक्रमण कर रहा है जयसिंह, तो उसी को समझाने के लिए कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि राजा जयसिंह को कहते हैं कि तुम थोड़ा विचार करके काम करो, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो वो तो ना सुकृत है, यानी कोई अच्छा कर्म नहीं है, और जो तुम ऐसा कर रहे हो वो वृथा का श्रम है, यानी बेकार का श्रम है। फिर से देखें जरा, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार, और बाजी पराए पानी पर, पराए पानी माने दूसरे के पानी माने हाथ पर, दूसरे के हाथों पड़ के तू पक्षी न मार, कैसे बाज पक्षियों को मारता है, ठीक उसी प्रकार कहा है जयसिंह से ये कहते हैं बिहारी लाल जी, कहते हैं कि तुझे बाज की भांति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन छोटे पक्षियों, अर्थात अब यहाँ पक्षी का अर्थ है राजा, वे राजा जो हिंदू राजा है, और जयसिंह जो राजा है वो औरंगजेब के कहने पर हिंदू राजाओं की हत्या कर रहा है, मार रहा है उनको, तो उसी के लिए बिहारी लाल जी यहाँ कहते हैं कि तू दूसरों के कहने आने पर, यानी बाजी पराए पानी पर, जैसे जैसे यहाँ बाज की जो संज्ञा है वो जयसिंह को बाज कहा गया है, कि बाज पराए पानी पर, यानी दूसरों के कहने पर तू पक्षियों को ना मार, क्योंकि तू विचार कर थोड़ा, देख विहंग विचार, विहंग माने होता पक्षी, कि थोड़ा विचार करके काम कर, कि तू भली भांति पहले विचार विमर्श कर, अपना सोच, और दूसरों के कहने में आकर अपने ही साथियों यानी जो हिंदू राजा है उनको मत मार, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो इससे तेरा जो श्रम है वो वृथा चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, और इसमें तुझे कोई स्वार्थ भी नहीं लगेगा, और ना ही ये कोई अच्छा कर्म है, ये कोई सुकृत नहीं है, क्योंकि इसका जो भी स्वार्थ है, जो भी फल है, वो तुझे ना मिलके वो तो औरंगजेब को मिलेगा, तो इसलिए वो सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने अधीन जो अन्य हिंदू राजा है उनको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो कोई अच्छा फल मिलेगा, ना तो ये सत्कर्म है, और जो भी तू ये श्रम करेगा इसका कोई सार्थक फल नहीं मिलेगा। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार, कि तू हे पक्षी, तू थोड़ा विचार करके सोच, बाजी
पराए पाने पर तू पक्षी न मार, कि दूसरों कहने पर आकर तू पक्षियों को मत मार। तो इस पद में शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से बिहारी जी के ये पद नामक जो ये शीर्षक है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।